जयपुर में रहने वाले नवरंग सहगल नास्तिक थे। किसी को नहीं मानता था, किसी भी धर्म को ना किसी का कोई आस्था नहीं थी। केवल यही मानता था पृथ्वी अपने आप बनी है, अपने आप इंसान बना बंदर से, यही आस्था थी मेरी। जैसे मैं प्राइमरी में पढ़ता गया, एट्थ नाइन्थ क्लास में आया तो मेरे ताए जी की लड़की के साथ प्रॉब्लम थी। पहले क्या था, पहले के पुराने लोग जो होते थे वो आपस में जो दोस्त होते थे वो संबंध कर लेते थे कि भाई अगर तेरा लड़का हुआ या मेरी लड़की हुई तो हम एक दूसरे दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देंगे। तो उन्होंने ऐसा किया तो इत्तेफाक से मेरे ताए जी के लड़की थी उनके लड़का हुआ, तो उन्होंने शादी तो पहले बचपन में उन्होंने बोल दिया था, बड़े हो तो शादी हो गई। शादी होने के बाद में लड़का जो था मेरे जो बहन का हस्बैंड वो कनाडा चला गया। ठीक, कनाडा में उन्होंने MBBS करी, MBBS करने के बाद में वहीं पर मैरिज कर ली। जिसके बाद नवरंग के ब्रदर इन लॉ उनकी बहन को डाइवोर्स देने की कोशिश करने लगे। इसके बाद उसने केस कर दिया और इधर से मेरी बहन ने बोला अगर मैं केस हार गई हम लोग तो मैं सुसाइड कर लूँगा। तो मैं तो बहुत ज़्यादा टूट गया था, बहुत, क्योंकि मेरा बहुत अपनी बहन से बहुत एक माँ जैसा संबंध था। उसके बाद में मैं भी टेंशन में रहने लगा, समस्या में रहना, हमेशा अकेले अकेले रहना। फिर हॉस्टल में मेरे साथ में एक मेरा फ्रेंड थे, तो एक दिन क्या हुआ कि मैं हॉस्टल की छत के ऊपर बैठा हुआ था तो उसने मुझे पूछा कि नवरंग कैसे परेशान हो। मैंने उसको बताया ऐसी ऐसी बात है, उन्होंने चिंता मत करो, यीशु मसीह यीशु पापा एकदम ठीक कर देंगे। तो मुझे हिम्मत मिली तो उसने बोला, दो तीन दिन मेरे साथ हमेशा वो प्रार्थना करने लगे ऊपर। एक दिन वो मुझे लेके गए कहाँ, चर्च में संडे को, तो वहाँ पास्टर अब्राहम थे, उन्होंने मेरी बात सुनी, मैंने अच्छे से उनको बताया, मेरे लिए प्रार्थना करी और फिर उन्होंने मुझे ये बताया कि आपकी बहन के साथ कुछ भी नहीं होगा और वो लड़का लेने आएगा। जो घर से समाचार आ गए सुरेंद्र कौर को लेने आ गए। उस दिन से नवरंग का विश्वास मजबूत होने लगा। मैं इतने बोझ से इतने समस्या से घिरा हुआ था, प्रभु का वचन वो उस समय मेरा कारगर हुआ, बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो धीरे धीरे मेरा विश्वास बढ़ता गया। 11th में आया, 11th में आने के बाद में बहुत अच्छा चर्च भी जाता था डेली। नवरंग में आए इस बदलाव से उनका परिवार खुश नहीं था। फर्स्ट ईयर में आने के बाद में फिर ज़्यादा प्रॉब्लम ज़्यादा आने लगी, तब से मुझे बोला कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, घर से निकाल दिया गया। तो उस दौरान मैं रेडियो प्रोग्राम भी सुनता था, मैं डॉक्टर आनंद कुमार चौधरी का तो अंकल का रेडियो प्रोग्राम सुनता था। जो प्रॉब्लम्स आती थी तो वो लोग प्रार्थना करते थे मेरे, हम लोग लेटर, मेरे फ्रेंड हम दोनों मिलकर लेटर डालते थे। तब नवरंग अपने दोस्त की सलाह पर डॉक्टर आनंद के पास जयपुर आ गए और पढ़ाई के साथ साथ काम करने लगे। टीचिंग का काम किया मैंने, बहुत परेशानियाँ, रोता था रात को कि फिर भी खुदा का वचन बार बार मुझे हिम्मत देता, धर्मी जन को परमेश्वर संभालता है, तू विश्वास करेगा तो बहुताय से पाएगा। सच में परमेश्वर ने वो वचन के अनुसार मुझे संभाला, मेरी सहायता के लिए मैंने टीचिंग किया। उसके बाद में किसी ने मुझे बताया कि आप जर्नलिज्म करो, मैंने जर्नलिज्म किया। लेकिन नवरंग को फुल टाइम मिनिस्ट्री में आना था। 1993 में उन्हें BTH करने का मौका मिला, फिर वो सेवकाई में आ गए। पहले कि मैं नास्तिक तो था ही, मैं किसी को नहीं मानता था, तो एकदम ज्योति जो आस्था की मेरे जीवन में जली, प्रभु यीशु मसीह ने जलाई। परमेश्वर ने मुझे अपने पिता के समान, जो संसारिक पिता है उसने मुझे पिता के समान संभाला और मुझे हर परिस्थिति में आगे बढ़ाया, परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ।